महाराज सुग्रीव, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अति शीघ्र अपनी सेना के साथ यहाँ से लौट जाएं। दिशाहीन युद्ध करके स्वयं को क्षति पहुंचाने से अच्छा है युद्ध से पलायन करना। महाराज सुग्रीव, प्रभु, मैं संपूर्ण वानर सेना की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूं। प्रभु, हैं तो सब वानर बुद्धि ही ना, आप चाहें तो इस मूर्खता के लिए हमें कठोर से कठोर दंड दें, किंतु यहां से वापस जाने जैसा दंड ना दें। यहां से वापस जाने से अच्छा तो होगा कि हम अपने जीवन का अंत कर दें। प्रभु प्रभु, हम अपनी देह का त्याग कर सकते हैं, परंतु आपको इस प्रकार छोड़कर नहीं जा सकते। प्रभु, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। प्रभु प्रभु, वानर स्वभाव चंचल होता है, इसलिए भूल हो गई इनसे। पहली भूल समझकर क्षमा कर दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्रभु, आगे से संपूर्ण वानर सेना आप ही के बनाए हुए नियम और आदेशों का पालन करेगी। प्रभु, सागर हम मूढ़ बुद्धि सब भालू वानर, भक्तों से राघव हुई भूल भारी, दंड के हम उत्तंड अधिकारी। किंतु ना ऐसा क्षमाशील कोई, करुणा करा पंकज पद के सोई, करबद्ध हम है क्षमा दो कृपाला। हे दीन बंधु दीन दयाला, श्री राम जय राम जय राम भज मन, जय नाथ निर्गुण पाप निकंदन। उठिए मित्र सुग्रीव। आप सबको प्रतीत हो रहा होगा कि मैं कुछ अधिक ही कठोर हो गया हूं। इस युद्ध को विजित करने के लिए और अपने सैनिकों के जीवन को अनावश्यक हानि से बचाने के लिए हमें कठोर नियमों एवं अनुशासन का पालन करना आवश्यक है। हाँ हाँ प्रभु, हम आपके द्वारा निर्धारित नियमों का कठोरता से पालन करेंगे। प्रभु, हाँ हम पालन करेंगे। प्रभु, पालन करेंगे, पालन करेंगे, पालन करेंगे, पालन करेंगे। उचित है, तो अब हमें कल होने वाले युद्ध के लिए नियम एवं रणनीति का निर्धारण कर लेना चाहिए। श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। विभीषण जी, आप तो रावण के बारे में सब जानते हैं, आप ही बताइए सर्वप्रथम वो क्या करेगा, कौन होगा उसका प्रथम लक्ष्य?
सीता रावण चतुर है। उनका प्रथम एवं सर्वोपरि लक्ष्य होगा आपका एवं भ्राता लक्ष्मण का वध करना, जिससे युद्ध के आरंभ में ही युद्ध का अंत हो जाए। क्षमा करें विभीषण जी, आज रावण ने जो हमारी विशाल वानर सेना का उत्साह, ओज और शक्ति देखी है, उसे ध्यान में रखते हुए वो सर्वप्रथम उस शक्ति और उत्साह को निष्क्रिय करने का प्रयास करेगा। और किसी भी सेना की शक्ति उसके राजा से होती है, अतः उसका सर्वप्रथम लक्ष्य महाराज सुग्रीव हो सकते हैं। सुग्रीव ही होगा हमारा प्रथम लक्ष्य, उसके अंत के साथ ही उसकी विशाल सेना का भी अंत, और उसके पश्चात वो वनवासी नर अपने घुटनों पर चलता हुआ आएगा हमारी शरण में। ये है संपूर्ण वानर सेना। आप चिंतित ना हो महाबली, मैं स्वयं जाऊंगा उस सुग्रीव का अंत करने। हनुमान का अनुमान सत्य है। महाराज सुग्रीव की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, अतः महाराज सुग्रीव सदा सेना के मध्य में ही स्थित रहेंगे और उनके निकट हमारे महाबली योद्धा विभिन्न सुरक्षा पंक्तियां बनाकर इन्हें चारों ओर से घेरे रहेंगे। नहीं प्रास्त, तुम नहीं, हमारे रक्ष योद्धाओं में अनेक तरुण योद्धा है, जिनमें से एक है महाविनाशक योद्धा अग्नि केतु, जो क्षण भर में अपने रसायन से जलाकर किसी को भी भस्म कर सकता है। ये अग्नि केतु उन सभी वानरों को पिघला कर भस्म कर देगा जो सुग्रीव की सुरक्षा में लगे हुए हैं। मैं स्वयं महाराज सुग्रीव की सुरक्षा में रहूंगा और मेरे साथ लक्ष्मण भी रहेंगे। हम महाराज की निकटतम पंक्ति में रहेंगे। हमारे धनुर्धारी होने का अतिरिक्त लाभ हमारी आगे वाली उस सेना को प्राप्त होगा जो आगे जाकर तीन भागों में बटी हुई होगी, जिसका नेतृत्व हमारे सर्वश्रेष्ठ योद्धा करेंगे। तो ठीक है, प्रभु श्री राम की सामने वाली पंक्ति का नेतृत्व मामा श्री जामवंत और युवराज अंगद करेंगे, और उनके सामने आने वाले शत्रु को ढेर करने के लिए आगे होंगे महाबली नल, नील और सुषेण जी, और उनके पीछे दूसरी पंक्ति में गवई, गवाक्ष और गंधमादन। कितु स्मरण रहे, भ्राता रावण आकाश एवं पाताल से भी आक्रमण करने की क्षमता रखते। यदि प्रभु का आदेश हो तो मैं किसी ऐसे उच्च शिखर पर स्थिर रहूंगा जहां से दोनों ओर होने वाली गतिविधियों पर दृष्टि रख सकूं। भ्राता रावण क्रूर है, वो बर्बर एवं महाविनाशकारी आक्रमण करके महाराज सुग्रीव को क्षति पहुंचा सकते हैं। सत्य कहा आपने महाराज विभीषण, किंतु हनुमान रावण के किसी भी बर्बर आक्रमण को
सफल नहीं होने देगा। और तब हमें महाविध्वंस फैलाने वाला एक ऐसा योद्धा चाहिए जो समस्त वानरों को तितर बितर कर दे, जिससे सुग्रीव के वध का मार्ग सुगम में हो जाए। भ्राता लंकेश, इस कार्य के लिए यज्ञकूप को भेजा जा सकता है। यज्ञकूप के भीषण चिंगाड़ के उठने वाली तरंगे इतनी घातक हैं कि निकट में खड़े वह बड़े से बड़े योद्धा के कण फट जाते हैं। उत्तम, अति उत्तम। यज्ञकूप को उचित समय पर हम आक्रमण के लिए भेजेंगे, जिससे कि समुचित रूप से ध्वंस हो सके इन वानरों का। अब प्रश्न ये उठता है कि कल होने वाले युद्ध का नेतृत्व इस महाबली योद्धा को सौंपा जाए। वैसे तो सेना के नेतृत्व के लिए भ्राता कुंभकर्ण ही भ्राता रावण का प्रथम चुनाव हो सकते थे, क्योंकि वो महाशक्तिशाली महाविनाशकारी शक्तियों से संपन्न है, किंतु वो इस समय इंद्रामग्न होंगे। किंतु विभीषण जी, मेरे विचार से रावण किसी पर विश्वास ना करके स्वयं युद्ध करने के लिए आगे आ सकता है। नहीं, जब तक अति आवश्यक नहीं होगा रावण स्वयं को संकट में नहीं डालेगा। वो अपने ही समान किसी शक्तिशाली महाबली योद्धा का चुनाव करेगा। मेघनाद पर उसे पूर्ण भरोसा है, वो कल युद्ध के लिए उसे ही नेतृत्व के लिए भेजेगा। मेरे प्रिय पुत्र मेघनाद, कल युद्ध में सेना का नेतृत्व तुम करोगे। शत्रु सेना का नाश करके लंका की धूल में मिला दो उन तुच्छ वानरों और उस वनवासी नर को। आपकी आज्ञा शिरोधार्य पिताश्री, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। कल इसी समय उन मूर्खों पर विजय प्राप्त करके हम विजयोत्सव मनाएंगे। किंतु स्मरण रहे पुत्र, तुम्हें सावधान रहना होगा उस द्रोही विभीषण से, क्योंकि मैं उन सभी दानवों के भेद उनकी मायावी शक्तियों से भली भांति परिचित हूं जिन्हें भ्राता रावण भेज सकते हैं। अतः विभीषण जी, आपको सेना के तीनों टुकड़ियों के कहीं मध्य में ही स्थित होना चाहिए, जिससे कि आप सबको सतर्क कर सकें कि किस रक्ष योद्धा का सामना किस प्रकार करना है। हनुमान का सुझाव उचित है, आप सबके मध्य में ही स्थित होंगे। पिताश्री, मैं अपने साथ महाबली महामायावी योद्धा क्रांता को ले जाऊंगा। काका श्री विभीषण को भी इस विषय में कुछ ज्ञात नहीं। मुझे भी कुछ ज्ञात नहीं है क्रांता के बारे में युवराज, क्योंकि वो पाताल लोक में भी गुप्त रूप से ही निवास करता है। वो एक महाविनाशक राक्षस है। उसकी देह में प्रचंड ज्वाला है जो सदैव धधकती रहती है। वह अपनी इच्छा अनुसार अपनी देह से कहीं भी संहारकारी विस्फोट करने की शक्ति रखता है। अर्थात मात्र उसको एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि विस्फोट होने से उसकी देह टुकड़ों में विभक्त हो जाएगी। नहीं,
नहीं काका महापार्षद, उसमें एक विचित्र अकल्पनीय शक्ति है। इसके देह के टुकड़े होने के बाद स्वतः ही पुनः स्थापित हो जाते हैं। उसकी देह के टुकड़े स्वतः ही जुड़ जाते हैं और वह पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। हाँ पिताश्री, कल के युद्ध में अक्रांता ही मेरा प्रमुख शस्त्र होगा। तो कल प्रातःकाल सूर्योदय के साथ ही उन वानरों के जीवन की उल्टी गणना आरंभ हो जाएगी। कल ही समाप्त कर देंगे हम उन तुच्छ वानरों को। है ये एक और धर्म है तो दूसरी ओर अधर्म, एक और मर्यादा है तो दूसरी ओर अहंकार, एक और विशुद्ध भक्ति है तो दूसरी ओर आसुरी शक्ति। इनके मध्य होने वाले भीषण महासंग्राम का साक्षी कौन नहीं बनना चाहे। क्या सोच रही हैं देवेश्वरी कि सदैव ध्यान योग में लीन रहने वाले महायोगी भी अपना ध्यान छोड़कर इस महासंग्राम को इतनी रुचि से क्यों देख रहे हैं? ये कोई साधारण संग्राम नहीं है देवेश्वरी, पाप और पुण्य के मध्य होने वाला ये धर्मयुद्ध संसार के लिए बहुत ही निर्णायक सिद्ध होने वाला है। देखिए ना, एक ओर मेरे आराध्य श्री राम है और दूसरी ओर मेरा ही महाभक्त रावण है, और इस युद्ध को निर्णायक मोड़ देने वाले भी तो मेरे ही रुद्रांश हनुमान है। ऐसे युद्ध को तो आप भी पूर्ण रुचि के साथ देखना चाहेंगी देवी। जब हम इस युद्ध को लेकर इतने व्याकुल हैं तो कल्पना कीजिए कि देवी सीता के हृदय पर इस समय क्या बीत रही होगी। उद्विग्न है अमला, कभी मन कहता है कि प्रभु शीघ्र यहाँ आकर दुष्ट लंकेश का संहार करके मुझे यहाँ से ले जाएंगे, कभी मन आशंका से भर उठता है कि कहीं
कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए। इस युद्ध का एक एक पल मुझे व्याकुल कर रहा है अल्लाह। ये युद्ध मात्र सीता की मुक्ति के लिए नहीं अपितु अधर्म के चंगुल से धर्म की मुक्ति है इसका उद्देश्य। युद्ध विनाशकारी होता है, इसलिए मैंने उसे टालने का पूर्ण प्रयास किया, किंतु पाप कर्मों से कांपती हुई धरा का संतप्त हृदय पापियों के रुधिर से ही शांत होगा। अब बस प्रतीक्षा है तो सूर्य देव के उदित होने की, उनकी प्रथम किरण का दर्शन उद्योष होगा पापी रावण और उसके कोटि कोटि राक्षसों के अंत का। आज के सूर्य से उदित होने वाली प्रथम किरण कहीं मेरे हृदय को अंधकार से न भर दे। Jamburak.
जंबूराक्ष जाओ और इन मूर्ख वानरों को दिखा दो अपनी राक्षसी शक्ति। मनोबल गिरा दो इनके। युद्ध से पहले ही हतोत्साहित हो गए ये, तो युद्ध कैसे करेंगे? जाओ। जय लंकेश। ये तो महाभयानक दानव प्रतीत हो रहा है। ये विकराल राक्षस तो हमें यूं ही मसल देगा। अद्भुत जंबूराक्ष, सारी वानर सेना तुम्हारे भय से थर थरा उठी है। क्या युद्ध लड़ेंगे ये? अच्छा, भयभीत कर रहा है मेरे मित्रों को। जंबूराक्ष, अंत कर दें सब वानरों का। बहुत साहसी समझते हो ना तुम सब अपने आप को। अब देखो कैसे एक ही वार में मिटाता हूँ तुम सबको। जय श्री राम। वानर, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। विकराल राक्षस का भय दिखाकर हमारी सेना का मनोबल तोड़ने की चाल तो उल्टी पड़ गई मेघनाथ। अब मनोबल टूटेगा तुम राक्षसों का। धन्यवाद हनुमान। देखो वीरो, यह है प्रभु श्री राम नाम की अद्भुत शक्ति। प्रभु श्री राम ही हमारे ढाल हैं, हमारे शस्त्र हैं। इसी राम नाम के शस्त्र एवं ढाल के साथ युद्ध करेंगे हम। यही राम नाम शत्रुओं में भय उत्पन्न करेगा। तो बोलो जय श्री राम। जय श्री राम।
रखा, अपना पराक्रम दिखाओ। हमारी पहली पंक्ति ने ही रोक दिया इन राक्षसों को। हाँ गवाई, हम इन्हें यहीं से रहकर वार करेंगे। वानरों, तुम्हारा इतना दुस्साहस, मेरे रक्ष वीरों आगे बढ़ो और मसल दें वानरों को। ये लो राक्षसों, तुम्हारे वार का तुम्हीं पर प्रहार। प्रभु, हमारी वानर और ऋक्ष सेना बड़ी वीरता के साथ लड़ रही है। मेरा मन भी कर रहा है, मेरी भुजाएं भी फड़क रही हैं कि रणभूमि में कूद जाऊं और इन असुरों को धूल में मिला दूं। आपकी सेना भली भांति ये कार्य कर रही है महाराज सुग्रीव। किंतु भैया, मेघनाथ बड़ा ही मायावी है। अपनी सेना को पराजित होता हुआ देखकर वो अवश्य ही राक्षसी माया का प्रयोग करेगा। अपनी आसुरी शक्ति का प्रयोग करके अंत कर दो इन वानरों का। वज्र मुष्टि, युद्ध भूमि में आओ और अपनी मुष्टि में भींच कर अंत कर दो इन वानरों का। ये तो अति विशाल काय दानव है। पीछे हटो, पीछे हटो मित्रों, अन्यथा ये हमें कुचल देगा। संभल कर, पीछे हटो। श्री प्रभा आगे आओ और अपनी विद्युत प्रभा से दिग्भ्रमित करके इन वानरों का सारा उत्साह समाप्त कर दो। ये राक्षस विद्युत ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है, इन्हें रोकना होगा। प्रतापन, आगे बढ़ो और अपने विनाशकारी नेत्रों से
विध्वंस कर दो इन वानरों का। अपन के नेत्रों का वार करे शत्रुओं का संहार। इसके नेत्रों में तो विचित्र मायावी शक्ति है। मित्रगण, तुम तो चीते से भी द्रुत रहो, अपनी द्रुत गति से संहार कर दो इन वानरों का। मायावी प्रकृता, अपने तीरों से तबरित प्रहारों से संहार कर दो इस वानर सेना का। प्रतीत हो रहा है मेघनाथ ने असुरी शक्ति वाले समस्त राक्षसों को एक साथ ही भेज दिया है। मुझे किसी भी प्रकार से इन मायावी राक्षसों से अपनी सेना की रक्षा करनी होगी। तुम्हारे वार से तो मेरा कोई हित नहीं हुआ। अब संभालो मेरा वार। ये सब प्रातः रावण के तरुण राक्षस है। यदि इन्हें समाप्त करने का शीघ्र उपाय हनुमान को नहीं बताया गया तो अनर्थ हो जाएगा। तो आइए हम भी उनकी सहायता करते हैं। नहीं युवराज अंकल, जब मेघनाथ ने हमारी सेना को तितर बितर करने के लिए ऐसे राक्षसों को भेजा है तो तनिक सोचिए, प्रभु श्री राम और महाराज सुग्रीव पर आक्रमण करने के लिए वो कैसे कैसे मायावी राक्षसों को भेज सकता है। प्रभु श्री राम के निर्देशानुसार हमें इसी स्थान पर स्थित रहना होगा। ये भ्राता रावण के छोटे राक्षस है, मेघनाथ के पास इससे भी भयानक राक्षस है जिन्हें वह उचित अवसर देख कर भेजेगा। अंकल आप यही रुकिए, मैं उनकी सहायता के लिए आगे जाता हूं। एक भी वानर बचना नहीं चाहिए। ए, हर वानर को मृत्यु के घाट उतार दो। राधा मेघनाथ, द्रोही निकल आया है सुरक्षा घेरे से। भाद्रघाती काका विभीषण वानरों की सहायता करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसी अवसर की तो प्रतीक्षा थी मुझे। द्रोही को समाप्त करने का पूर्ण कार्य आप मुझे करने दीजिए भ्राता। आप सेना को निर्देश देने के लिए यहीं स्थित रही। तो जाओ निगम, माफ कर दो द्रोही को। ये राक्षस तो महाराज विभीषण की ओर बढ़ रहा है, अभी देखता हूं। सर्वप्रथम मेरा सामना करो दुष्ट राक्षस। वानर, प्रतीत होता है उस द्रोही से पूर्व तुम्हारी मृत्यु लिखी है निकुंभ के हाथों। हाँ।
तुम्हारी गदा कब तक तुम्हारी ढाल बनी रहती है? ये राक्षसी सेना हमारे योद्धाओं पर भारी पड़ रही है, हमें उनकी सहायता के लिए जाना चाहिए। कुछ नहीं होगा भ्राता लक्ष्मण। प्रतीत होता है हमारे मायावी रक्ष योद्धा प्रथम दिवस इस युद्ध का अंत कर देंगे। यही अवसर है मेरे रक्ष योद्धाओं ने वानर सेना के प्रमुख नायकों को उलझा रखा है। तुम और विरूपा मायावी आक्रांता को रक्षित करते हुए छदम रूप धरकर उस वनवासी और सुग्रीव के समीप पहुंचाओ। आक्रांता, तुम्हें ज्ञात है ना तुम्हें क्या करना है? हाँ युवराज, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। यही करना है तुम्हें आक्रांता, और विस्फोट होते ही सबका अंत हो जाएगा और युद्ध भी आज ही समाप्त होगा। पिताश्री भी यही चाहते हैं। युवराज, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। अब देखता हूं कौन बचाता है इस वनवासी और इसकी वानर सेना को मेरे मां मायावी राक्षसों से। मेरे प्रहार से तुम लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। ये राक्षस तो महा विनाश कर देगा। मायावी प्रागस कांत मात्र इसके चलाए हुए तीरों से हो सकता है। धन्यवाद विभीषण जी। जय श्री राम। जय श्री राम।
हनुमान ने परिस्थितियां विपरीत कर दी हैं। अब शीघ्र ही इन राक्षसों का अंत हो जाएगा। राक्षस को देखता हूं मैं। कहां गया वो राक्षस? वानर, मैं साधारण राक्षस नहीं हूं, मैं मित्रज्ञ हूं। मित्रज्ञ, तू मुझे मारना तो दूर, मेरे निकट भी नहीं आ सकते। गवाई बचो। अभी बताता हूं इस दुष्ट राक्षस को। हनुमान, ये मित्रगण अपनी तीव्र गति के कारण किसी के पकड़ में नहीं आ सकता। मात्र इसकी परछाई का अनुसरण करके ही इसे पकड़ा जा सकता है। इसकी छाया से ही इसकी काया को वश में करना होगा। लंका का राजपाट पाने के लिए किसी भी सीमा को लांघ सकते हैं। धन्यवाद मित्र हनुमान। धन्यवाद कैसा मित्र, एक दूसरे की सहायता करने से ही विजय पत्र प्रशस्त होता है। तुम गवई की सहायता के लिए जाओ, मैं गंधमादन की सहायता के लिए जाता हूँ। हनुमान, कनल की सहायता के लिए जाता हूँ। और ज्ञात रहे, राक्षसों की शक्ति ही उनकी दुर्बलता है। यही सूत्र है उनकी मृत्यु का, इसी से उनका वध किया जा सकता है। मुझे हनुमान को युद्ध में उलझाना होगा ताकि राक्षस अग्नि केतु और आक्रांता सुग्रीव पर आक्रमण कर सके। अब इस वानर दल में मचेगा हाहाकार। उचित है विभीषण जी।
तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस दुष्ट वानर हनुमान के होते हुए मेरी योजना सफल नहीं हो सकती, किंतु इसे यहाँ से हटाने के लिए कुछ करना होगा। इसको यहाँ से हटाना इतना सहज नहीं। अपने साथी वानरों को घोर संकट में देखकर ही ये वानर हनुमान अपना स्थान छोड़ सकता है और ये संकट उत्पन्न करेगा मेरा मायावी यज्ञकूप। नहीं आने दूंगा मैं। इनका ध्यान भटकाने की मेरी योजना सफल हो रही है। जब तक यज्ञकूप हनुमान और अंगद का अंत करेगा, तब तक अग्निकेतु और अक्रांता मेरा कार्य सरलता से पूर्ण करेंगे। कर्कश कर्ण भेदी ध्वनि है ये।
असहनीय है ये ध्वनि, कैसे शांत होगा ये राक्षस। सर्वप्रथम मुझे अंगद और इन वानर सैनिकों को इस राक्षस के प्रभाव से मुक्त कराना होगा। सखा, में उठाकर इनका बचाव कर लिया इस वानर ने, किंतु निकट आने पर मेरे ध्वनि प्रहार से नहीं बच पाएगा ये वानर। इस यज्ञ कूप को रोकने का उपाय ढूंढना होगा। राक्षस, हनुमान तुम्हें और वानर योद्धाओं को क्षति नहीं पहुंचाने देगा। मेरे ध्वनि प्रहार करेंगे तुम सबका संहार। देखता हूं तुम कैसे बच पाते हो। ये तो मामा जामवंत द्वारा रक्षित प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण के समीप जा रहा है। वानर वीरों, आक्रमण के लिए तैयार हो जाओ। हनुमान की भक्ति की शक्ति तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगी। अच्छा है कि तू मेरे निकट आ गया। जिसके हृदय में राम नाम की गूंज हो, उनको तुम्हारी ध्वनि छू भी नहीं सकती। अच्छा, तो राम नाम की शक्ति से ही इन असुरों का सामना कर सकते हैं। राक्षस, तेरी शक्ति निरस्त करूंगा मैं। नील, सुशील, हमें हनुमान ने गवई की सहायता के लिए भेजा है, जिससे इस राक्षस पे हम संयुक्त प्रहार कर इसका अंत कर सकें। चलो चलो, बचो मित्रों, बचो मित्रों, बचो, बचो, बचो मित्र, होता है मुझे और प्रभावी वार करने पड़ेंगे। राम, 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 जय श्री राम। यज्ञ को अभी भी जीवित है, वो हनुमान को उलझाए रखेगा। तुम्हारा वार यज्ञ को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, परंतु मैं यहाँ खड़े खड़े ही तुम्हारी वानर सेना को अपार क्षति पहुंचा दूंगा।
तुम मेरे ध्वनि प्रहारों से बच सकते हो, मगर ये साधारण वानर सेना नहीं। इसे निष्प्रभाव करने के लिए सर्वप्रथम मुझे इसे वानर सेना से और भी दूर ले जाना होगा। छोड़ वानर, मुझे कहाँ लेके जा रहा है मुझे? मुझे ऐसे बंद स्थान पर लाने की बहुत बड़ी मूर्खता की है तूने वानर, जहाँ मेरे ध्वनि प्रहार और भी प्रबल हो जाएंगे। कितने भी और कैसे भी प्रयास कर लो दुष्ट, परंतु अब मैं तुम्हें अपनी सेना को हानि पहुंचाने के लिए मुक्त नहीं होने दूंगा। महामायावी राक्षस हूँ मैं, ना तो मेरा वध संभव है और ना ही मुझे बंदी बनाकर रख सकते हो। सफल हो गई मेरी योजना, हट गया हनुमान अपना स्थान छोड़कर, और अब अग्नि केतु और अक्रांता सुग्रीव के समीप पहुंचकर उसका वध कर देंगे। शांत रहना चाहिए। कौन हो तुम? सेना से विपरीत दिशा में क्यों जा रहे थे तुम? शीघ्र कहो, कौन हो तुम? वानर नहीं, ये तो राक्षस है।
मैं शीघ्र यहाँ से निकल आऊंगा, तब मेरी संहारक शक्ति कोई नहीं रोक पाएगा। इसकी प्राण घातक ध्वनि से बचने का एकमात्र उपाय यही है, जितना शीघ्र हो सके इससे अधिक से अधिक दूर चले जाओ। इस यज्ञकूप को रोकने का उपाय ढूंढना होगा। ये हनुमान लंका की ओर क्यों जा रहे हैं? हनुमान के लौटने से पूर्व मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। मैं युद्ध का अंत करूंगा अभी और यहीं। शक्तियों का प्रयोग सदैव सकारात्मक कार्य के लिए करना चाहिए, अन्यथा स्वयं के विनाश का कारण बन सकती है।